बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसके अंदर बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही आसान और सिंपल खाने, बेशक वो किसी टाइप के भी खाने हों। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्कंज बीन, जिसे शिकंजी भी कहते हैं, जिसे नींबू पानी भी कहते हैं, जिसे लेमन ड्रिंक भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, मेरे पास जग में 4 गिलास पानी है, नमक है, चीनी है, लेमन है, काला नमक है और पुदीने के पत्ते हैं, आइस क्यूब्स हैं। तो जिसके लिए अब हम करेंगे अपनी तैयारी और देखते हैं कैसे बनता है नींबू पानी। तो सबसे पहले हम जग में डालेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जग में हम डालेंगे 4-5-6 चम्मच चीनी। ये आपकी बिल्कुल चॉइस पर डिपेंड करता है, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। कुछ लोग बग़ैर शुगर के भी इसे बना के पीते हैं, तो कुछ लोग चीनी नॉर्मल डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं। सो ये टोटली अप टू यू कि आपने इसमें कितनी चीनी ऐड करनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तो वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको चाहिए उतना। तो मैं इतने 4 गिलास पानी के हिसाब से इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून, ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें जाएगा काला नमक, तो काला नमक इसमें हम डालेंगे जितना हमने डाला था इसमें वाइट वाला नमक, उससे थोड़ा सा कम डालेंगे। तो यहाँ पे इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी फ़ौरन सब्सक्राइब किया करें, ठीक है ना? आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आप मेरे वीडियोज़ को कितना लाइक करते हैं, आपको मेरा चैनल कितना पसंद है। क्योंकि मैं तो पूरे दिल से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपका लाइक मुझे हौसला देता है, मुझे उससे सुकून मिलता है। और फिर और हौसला बढ़ने से इंसान और अच्छा अच्छा काम करता है आपके सामने, और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता है। तो यहाँ पर अब हम जितने हमारे पास लेमन हैं, तो वो हम नींबू पानी के अंदर निचोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला ड्रिंक नींबू पानी, ये हमारी जो पंजाबी शिकंजी है, ये बहुत हेल्दी होती है। जिन लोगों को बॉडी वीकनेस होती है, गर्मी में चला फिरा नहीं जाता, वीकनेस, थकावट, चक्कर आना, टांगों में दर्द होना, अगर वो इस तरह से ये वाली शिकंजवी बना के पियेंगे, तो आप यकीन करें आपकी सेहत बिल्कुल फिट होगी, आप हेल्दी हो जाएंगे। और अगर आपको मैं सच बताऊँ ना, तो जितने भी ड्रिंक्स हैं पूरी दुनिया में, जितने भी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, ये वाला लेमन का ड्रिंक उन सबसे हेल्दी है। तो ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है हमारा स्कंज बीन। अब हम इसको अपने गिलास के अंदर सर्व करेंगे। तो ये हमारे 4 सर्विंग गिलास हमने लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे चंद मिंट लीव्स और उनको हमने हाथ से क्रश करके इन गिलास के अंदर डालना है। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी में आपको टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, गर्मी के अंदर हवा के अंदर जरासीम होते हैं, तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर आप इसका यूज़ रखेंगे तो आप बिल्कुल महफूज रहेंगे बहुत सारी बीमारियों से। तो ये देखिए, 4 गिलास के अंदर हमने डाल दिया है मिंट लीव। अब इसमें हम अपनी जो स्कंज बीन है वो डालेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, आपको एकदम से फिट और फ्रेश बनाता है। ये देखिए, इस तरह से हमारे 4 गिलास हो गए। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लगा गिलास के अंदर। मगर इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके आपने नहीं पीना। अगर आप बाहर से आए हैं, गर्मी से आए हैं, तो आपने बहुत स्लो स्लो इसे पीना है, और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये अब हमने इस पर लगाने शुरू कर दिए हैं लेमन स्लाइसेस। और ये जनाब, इसका कंप्लीट हो चुका है सारा काम। तो अब ये रेड कारपेट लग गया है, आपका जो सर्विंग मैट है उसके ऊपर सारे ड्रिंक्स हमने रख दिए हैं, ये देखिए। तो ये हो गई सजावट, ये होती है खूबसूरती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप चेक करिए, आपका नींबू पानी बनके तैयार है। बहुत ही यमी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और अच्छे तरीके से सर्व कीजिए, प्यार से कीजिए, दिल से कीजिए, आप यकीन करिए कि सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।
वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को भी ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।